हेलो फ्रेंड्स, रूबीज़ कुक बुक में आप सभी का स्वागत है। आज हम बनाएंगे पालक के पकौड़े वाले कड़ी, जो खाने में स्वादिष्ट भी और हेल्दी भी। अगर आप ये कड़ी बनाएंगे तो राइस के साथ और कुछ नहीं चाहिए, ये कड़ी के साथ ही बहुत ही टेस्टी लगती है। तो चलिए बनाते हैं। इसे बनाने के लिए सबसे पहले 200 से 250 ग्राम लगभग दही लिया है। ये एक दिन पुराने दही है, इसको अच्छे से हमने फेंट लिया है। इसको फेंटना बहुत ज़रूरी है। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 चम्मच धनिया पाउडर, स्वाद अनुसार नमक, थोड़ा सा हल्दी पाउडर, 2 चम्मच बेसन, 1 छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर। उसके बाद इन सभी चीज़ों को दही के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे। यहाँ पे हमने कोई पानी ऐड नहीं किया है, ऐसे ही दही के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे। शुरू में ही पानी ऐड कर देंगे तो बेसन का गुठलियाँ रह सकता है, हम बाद में पानी ऐड करेंगे थोड़ा थोड़ा करके। तो देखिए, बहुत अच्छे से 4-5 मिनट हमने मिक्स कर लिया है, उसके बाद हम थोड़ा थोड़ा करके पानी डालेंगे। तो देखिए, इस तरह से डालना है। यहाँ पे दही, बेसन और मसाले बहुत अच्छे से मिक्स हो गई है। अब हम 1 गिलास लगभग इसमें और भी पानी ऐड करेंगे और इसको मिक्स कर लेंगे। तो देखिए, बैटर रेडी है। अब हम इसका कढ़ी बनाने के लिए एक कढ़ाई को गैस के ऊपर चढ़ा देंगे और इसमें ये बैटर को हम डाल देंगे, और जब तक बॉयल ना आए तब तक इसको चलाते हुए हम पकाएंगे। बॉयल आने तक कढ़ी को नहीं चलाते हैं तो यहाँ पे दही बेसन फट सकता है। तो देखिए, कढ़ी में अच्छे से बॉयल आ गया है, तो गैस का फ्लेम यहाँ पे मीडियम कर देंगे और मीडियम फ्लेम में इसको 10 से 12 मिनट पकने देंगे। पालक का पकौड़े बनाने के लिए 250 ग्राम पालक को 2-3 पानी से धोकर छोटा छोटा पीस में काट कर लिए हैं। अब इसमें 2 बड़ा चम्मच बेसन डालेंगे। बेसन बहुत ज़्यादा नहीं डालेंगे, जितना में बाइंडिंग आ जाए उतना ही ऐड करेंगे। उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे स्वाद अनुसार नमक, धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर। उसके बाद इसको हल्के हाथों से मिक्स कर लेंगे। यहाँ पे बिना पानी डाले ही मिक्स करेंगे, अगर पानी का जरूरत पड़े तभी छींटा मारेंगे थोड़ा। हमने यहाँ पे थोड़ा भी पानी यूज नहीं किया है, ये ऐसे ही अच्छे से मिक्स हो गया है। अब पकौड़े को तलने से पहले कड़ी को एक बार देखिए, देख लेते हैं। तो देखिए, बहुत अच्छे से ये पक रही है, 1-2 मिनट और भी पकेगी। तो देखिए, कढ़ाई में ऑयल गरम हो गया है, मीडियम गरम है, और थोड़ा थोड़ा पोर्शन करके इस तरह से डाल देंगे जितना सारे अट पाएगा। 1 से 1.5 मिनट इसको पकने देंगे, जब तक थोड़ा सा ये पक ना जाए। 1-1.5 मिनट हो गया है तो इसको हम इस तरह से पलट देंगे और मीडियम फ्लेम में इसको उलटते पुलटते हल्का ब्राउन कर लेंगे। इसे बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है, बस हल्का ब्राउन करना है। ये पकौड़े को आप ऐसे भी खा सकते हो, बहुत ही टेस्टी लगती है। तो देखिए, 4-5 मिनट में ये उलटते पुलटते गोल्डन कलर का हो गया है, तो इसे हम निकाल लेंगे और नेक्स्ट बैच का पकौड़े को भी हम एक एक करके डाल देंगे। जब इस तरह से पालक के पकौड़े बना के कढ़ी में डालेंगे ना, तो बहुत ही स्वादिष्ट लगता है। और पालक हेल्दी ऑप्शन है, तो इस तरह से बनाएंगे तो बच्चे पालक भी खा लेंगे और चावल के साथ ये कढ़ी पकौड़े बहुत ही स्वादिष्ट लगता है खाने में। तो देखिए, नेक्स्ट बैच का पकौड़े भी हमने निकाल लिए हैं और इसी तरह से सारे पकौड़े को तल लेंगे। इधर कढ़ी भी पके हुए 10-12 मिनट हो गया है, तो अब हम यहाँ पे जो पकौड़े को तल कर रखा था उसको डाल देंगे। उसके बाद थोड़ा सा कट किया हुआ धनिया पत्ता को डाल देंगे और सिर्फ 2 मिनट बिना ढके ही पकने देंगे। तो देखिए, 2 मिनट पकते हुए हो गया है, तो गैस का फ्लेम हम यहाँ पे ऑफ कर देंगे। थोड़ा सा ठंडा होगा तो ये खुद ही गाढ़ा हो जाएगा। कढ़ी को और भी स्वादिष्ट बनाने के लिए एक तड़का लगाएंगे। एक पैन में 2 बड़ा चम्मच ऑयल डालेंगे, 1 चम्मच सरसों और 2 सूखे मिर्च डालेंगे। इसको थोड़ा सा फूटने देंगे। उसके बाद हम यहाँ पे गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे और 1/2 छोटा चम्मच से भी कम थोड़ा सा काश्मीरी लाल मिर्च डालेंगे। अब ये तड़का जाएगा कढ़ी के ऊपर, तो देखिए कितना टेस्टी लग रहा है देखने में और खाने में भी। तो चलिए इसे सर्व कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, पालक के पकौड़े वाली कढ़ी की रेसिपी अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक्स फॉर वाचिंग।